हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार रेस्टोरेंट से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज न्यूमरोलॉजी की कड़ी में एक नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ सामने पेश हुआ हूं। सब्जेक्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसको किस तरह से देखना होता है और आपकी ज़िंदगी में ये क्या परिवर्तन लाती है, आज समझने का प्रयास करते हैं। आपकी एक सैंपल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ ली है 1/8/1963। इसमें हेलो फ्रेंड्स, मैं सनस्टार रेस्टोरेंट से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज न्यूमरोलॉजी की कड़ी में एक नया सब्जेक्ट लेके आपके साथ सामने पेश हुआ हूं। सब्जेक्ट है मोबाइल न्यूमरोलॉजी। इसको किस तरह से देखना होता है और आपकी ज़िंदगी में ये क्या परिवर्तन लाती है, आज समझने का प्रयास करते हैं। आपकी एक सैंपल के तौर पर एक डेट ऑफ बर्थ ली है 1/8/1963। इसमें ड्राइवर नंबर 1 है, कंडक्टर नंबर 1 है, नाम इनका है गुरमीत सिंह जो मैं खुद ही हूँ, और ये 37 नंबर बनता है गुरमीत सिंह से, वो भी एक बनता है। टोटल गुरमीत सिंह का जोड़ दो तो 3 नंबर बनता है। ये मैंने खुद ही न्यूमेरिकल चेंजेस किए थे अपनी स्पेलिंग में 37 बनाने के लिए, क्योंकि 37 नंबर अकल्ट वर्ल्ड में सक्सेस के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अब मैं अपना मोबाइल नंबर जो मेरा 15-20 साल पुराना है उसको चर्चा में लाता हूँ। ये नंबर भी 55 नंबर बनता है, 10 बनता है और 1 बनता है। अब इस नंबर में वैसे मेरे लिए बहुत सूटेबल नंबर है ये, क्योंकि एक नंबर और एक नंबर से जुड़ रहा है और भाग्यांक भी मेरा 1 है, तो बहुत ही मल्टीप्लाई फायदा लेके आया मेरे लिए नंबर। बहुत नेम एंड फेम मेरे नाम से जुड़ा, मैं समझता हूँ उसमें इस फोन नंबर के भी कुछ ना कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। अब मोबाइल न्यूमरोलॉजी में आपको 1 से लेकर 9 नंबर इनकी इम्पोर्टेंस बताता हूँ और इनकी रिपीटेशन होने से आपकी ज़िंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं उसको आज डिस्कस करता हूँ आपके सामने। जो 1 नंबर होता है ये प्लानिंग का होता है, मैनेजमेंट का भी होता है, नेम फेम भी ये लाता है और इंसान को एक्सप्रेसिव बनाता है। अगर 1 नंबर 2-3 बार रिपीट हो रहा है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता जाएगा। बट बहुत ज़्यादा रिपीट होने में फ़ोन नंबर में ये बंदा अपनी जितनी सारी बातें हैं ना पब्लिक में डिस्क्लोज कर देता है समटाइम, वो इसके साथ एक हिडन वो डेंजर रहता है। अब 2 नंबर को लेते हैं, इसमें 2 नंबर तो नहीं है पर 2 नंबर अगर एक बार होता है वो सेंसिटिविटी का नंबर है, मूड स्विंग्स का नंबर है, चेंजेस का नंबर है, क्योंकि चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचर है ना वो थोड़ा ऊपर स्प्रिट उसकी हाई कभी लो हो जाती है। तो आपके साथ जब आपके फ़ोन नंबर में 2 नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो आपके कई बार मूड स्विंग्स में बहुत बड़े चेंजेस देखे जाते हैं। अब 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर हालांकि इस फोन में नहीं है पर उसके बारे में बताता हूँ। 3 नंबर विजडम का नंबर है, क्रिएटिविटी का नंबर है, और बहुत बड़े अच्छे आर्टिस्ट और राइटर्स भी 3 नंबर मैंने देखा, उनके नंबर में पाया गया। ये 3 नंबर वैसे तो बहुत अच्छी नॉलेज देता है पर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा 3 की रिपीटेशन है ना, क्रिएटिविटी तो देती है पर इंसान में थोड़ी ईगो बढ़ देती है, जिससे सोसाइटी में वो अपने रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाता। अब नेक्स्ट नंबर आता है 4 नंबर। 4 नंबर डिसिप्लिन का नंबर है। 4 नंबर वाले अपने जो भी काम करेंगे एक डिसिप्लिन के उस पर करेंगे। इनके दूसरी बात इनमें एक और नोटिसेबल होती है, जिसकी मोबाइल नंबर में 4 नंबर बहुत बार पाया गया है वो फिजिकल लेबर की तरफ ले जाता है। 1-2 बार आ जाए तो ठीक है, वैसे तो एनालिटिकल तो होते ही होते हैं ये लोग पर फिजिकल इनको बहुत काम करना पड़ता है। 4 नंबर में एक प्लस पॉइंट एक ये भी है कि 4 नंबर 2 बार होना तो मेटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत देता है, क्योंकि राहु मेटेरियलिस्टिक प्लेनेट है, कंप्यूटर वर्ल्ड से आपको जोड़ कर रखता है और कंप्यूटर के प्रति बहुत पैशन देता है। इस 21वीं शताब्दी में 4 नंबर का ग्रिड में होना आपको राहु कंप्यूटर वर्ल्ड की तरफ बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ इशारा करता है। अब 5 नंबर पर आते हैं, क्योंकि मेरे इसमें 2 बार 5 नंबर है तो 5 नंबर के बारे में मैं आपको 3 बार 5 है बल्कि, तो मैं आपको 5 नंबर के बारे में बोलता हूँ कि 5 नंबर चेंजेस का, इंटेलिजेंस का नंबर है और बाउंस बैक का भी नंबर है। जब आपकी थोड़ी सी भी पिच लो जा रही होती ज़िंदगी में ये 5 नंबर आपको ऊपर ले आता है वापस। पर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा 5 नंबर की रिपीटेशन इंटेलिजेंस तो दे देती है पर रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नहीं दे पाती, थोड़ा बहुत फास्ट चेंजेस वाला व्यक्ति होता है, बहुत जल्दी एक एक चीज़ से बोर होने लगता है। तो इस 5 नंबर में वैसे बहुत पॉजिटिविटी है बट ये खतरा बहुत ज़्यादा रिपीटेशन में रहता है। अब आते हैं इसमें 6 नंबर पे। 6 नंबर अगर आपके फ़ोन नंबर में आ रहा है
एक या दो बार या तीन बार भी आना बहुत अच्छा नंबर है। सुख 6 नंबर को हमेशा वीनस को सुखों से देखा जाता है। लग्जरी का नंबर है, आपको फॉरेन ट्रेवल से भी जोड़ता है। मेटेरियलिस्टिक या फिजिकल प्लेजर में 6 नंबर की इंसान के फोन नंबर में 6 नंबर हो तो बहुत बड़ी भूमिका रहती है। ऐसे व्यक्ति को अच्छे हेल्पिंग फ्रेंड्स भी बहुत मिलते हैं। अब 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, केतु का नंबर है, स्टडी का भी है, क्योंकि केतु एक मायावी प्लैनेट है। अकल्ट साइंस में जीतने के लिए 7 नंबर का ग्रिड में एक बार होना तो बहुत ही जरूरी है। जिसने भी अकल्ट वर्ल्ड में सक्सेस पानी है, 4 और 7 का बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर 4-7 में से कोई एक कम है तो उसको 3 नंबर रिप्लेस कर देता है कई बार। अब हम आते हैं 8 नंबर पे। 8 नंबर थोड़ा एक बार आए तो ठीक है, अकाउंटिंग का नंबर है, आपको अकाउंट्स में बहुत मजबूत रखता है, वैल्यू फॉर मनी दिखाता है। बट बहुत ज्यादा 8 नंबर के रिपीटेशन आपकी जिंदगी में कई बार ऑब्स्टेकल ले आती है, क्योंकि शनि एक स्लोअर प्लेनेट है। बहुत ज्यादा रिपीटेशन अगर 8 नंबर की हो रही होती है फोन नंबर में, वो हर चीज को डिले पे ले आती है। अब बात करते हैं फाइनली हम 9 नंबर की, वही बचा है। 9 नंबर एक आर्टिस्टिकल नंबर है। एक बार आएगा तो ऐसे व्यक्ति के एक्शन होंगे बट थोड़े स्लो होंगे, पर 2-3 बार आएगा तो एक्शन भी फास्ट होंगे, नेम एंड फेम देगा और आर्टिस्टिकल आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह उठा कर ले जाएगा जहां आपकी डेस्टिनी में आपका नेम एंड फेम एश्योर करेगा। थैंक्स फ्रेंड्स, आज मैंने मोबाइल न्यूमरोलॉजी में अपना फर्स्ट वीडियो बनाया। आगे भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा मोबाइल न्यूमरोलॉजी के लिए। थैंक्स फ्रेंड, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फ्रेंड।